अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस लर्निंग। दिस इज़ फिजा इसराइल। आज की इस वीडियो में हम एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर चिल्ड्रंस के लिए, डिसेबल डिफरेंशली एबल स्टूडेंट्स के लिए एंड साथ ही साथ हम नीलम और लीपा की स्पेशल सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर्स चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस कैटेगरी के लिए ऑल ओवर होल एज के से स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर चिल्ड्रंस की टोटल सीट्स 3 हैं। इस बार 95% से मेरिट एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है। नीचे देखा जाए तो 3 नंबर तक 93% मेरिट एग्रीगेट है, जबकि अगर डिस्ट्रिक्ट के मेरिट को देखा जाए तो 93 तक सारे के सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो 93 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो तकरीबन अगर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स में जाना चाहेंगे तो यहाँ से उनका नेम को कट कर दिया जाएगा और दूसरे स्टूडेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में बन जाएंगे उनके लिए ये चांसेस बन जाएंगे कि वो ये सीट्स अवेल कर सकें। और अगर ये वाली सीट कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से आपका नेम कट कर दिया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट की सीट्स वहाँ पर एक स्टूडेंट के लिए चांसेस बन जाएंगे। तो अगर 3 सीट्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो स्टार्टिंग वाले सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन सिलेक्ट हो चुके हैं। तो 92 से लेके 91 तक तकरीबन इनका मेरिट एग्रीगेट रहेगा। अगर यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट की सीट्स में सिलेक्ट नहीं हुआ तो तकरीबन इस बार इनका मेरिट एग्रीगेट 91 ही रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओवरसीज़ के मेरिट के बारे में। ओवरसीज़ के मेरिट के बारे में डिस्कस सीट्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ कश्मीरी के लिए 30 सीट्स हैं। 10-10 तीनों मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो अगर इनकी मेरिट के बारे में बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे जो आपको प्रूफ देना पड़ता है ड्यूल नेशनलिटी का, ताकि जिससे आपकी ये पता चल सके कि क्या आप ओवरसीज़ हैं या नहीं हैं। तो उस प्रूफ की बात की जाए तो इस मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनमें से सारे के सारे कैंडिडेट्स ने ड्यूल नेशनलिटी का प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूल नेशनलिटी का प्रूफ प्रोवाइड किया है। अगर इस प्रूफ के हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ 30 नंबर तक सारे के सारे स्टूडेंट्स ये प्रूफ प्रोवाइड कर देते हैं तो इनका मेरिट एग्रीगेट 79.23% एग्रीगेट रहेगा, अगर सारे के सारे स्टूडेंट 30 नंबर तक ड्यूल नेशनलिटी का प्रूफ प्रोवाइड कर देते हैं। अलबत्ता अगर प्रूफ प्रोवाइड नहीं करते तो यहाँ पे कुछ सीट्स जो होंगी वो बच जाएंगी। 13 नंबर तक अगर जिन स्टूडेंट्स ने प्रूफ प्रोवाइड किया उनकी सिलेक्शन हो जाएगी तो बाकी सीट्स यहाँ पर वैकेंट बच जाएंगी। और ओवरसीज़ की कैटेगरी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर देते हैं जिनके पास, जो ओवरसीज़ स्टूडेंट नहीं होते, जिनके पास ये प्रूफ नहीं होता, तो वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। तो मोस्टली इन ये जो सीट्स होती हैं ओवरसीज़ वाली, ये वैकेंट रह जाती हैं। पिछली बार भी बहुत सारी सीट्स ओवरसीज़ की वैकेंट रही हैं। इस बार भी अगर इन स्टूडेंट्स ने ये प्रूफ प्रोवाइड ना किया तो यहाँ पर ये सीट्स भी वैकेंट बच जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशली एबल स्टूडेंट्स की। डिफरेंशली एबल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में इन स्टूडेंट्स के लिए टोटल सीट्स एमबीबीएस के लिए 3 हैं। अगर इनके मेरिट की बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये उनकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके बारे में प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया हुआ। वो स्टूडेंट अगर प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने 26 लास्ट डेट थी ये प्रूफ प्रोवाइड करने की, अगर तब तक आपने प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। दूसरे कैंडिडेट जिसने प्रूफ प्रोवाइड किया है तो उसको ये सीट दी जाएगी। इन स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग मेरिट की बात की जाए तो 93% से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो स्टार्ट में 2 स्टूडेंट हैं इन्होंने ये प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं स्टार्ट में जिन्होंने रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की डिसेबिलिटी की। नेक्स्ट भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं की, अलबत्ता बीच बीच में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने रिपोर्ट प्रोवाइड की है। अगर मेरिट की बात की जाए तो अगर लास्ट स्टार्ट वाले स्टूडेंट्स अगर मेरिट रिपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो इनका मेरिट एग्रीगेट 86 पे क्लोज हो जाएगा। अगर ये स्टूडेंट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते तो इनके मेरिट के डिग्रीज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल सीट्स के मेरिट के बारे में। स्पेशल सीट्स का मेरिट स्टार्ट हो रहा है 92.3379 से। उसके बाद ये मेरिट लिस्ट आपके सामने शो की जा रही है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल सीट्स पे आ रहे हैं, उनका मेरिट एग्रीगेट क्या है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल साइंसेस लर्निंग को सब्सक्राइब करें और साथ लगे नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।